साइड सारे इंजीनियरिंग वाले हैं और इधर डिप्लोमा वाले हैं, और सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं ना, सारे के सारे लोग है ना। आवाज क्यों नहीं निकल रहा है आप लोगों का, है ना? आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या हैं इस देश के लिए? पता है? यस सर। क्या है? फ्यूचर ऑफ इंडिया सर जी। फ्यूचर ऑफ इंडिया। और भारत का फ्यूचर अगर खराब हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रह रहा है? सिविल। किसका? सिविल इंजीनियर का। और भारत का फ्यूचर बनाएगा कौन? सिविल इंजीनियर। यानी भारत का फ्यूचर बनाएगा भी सिविल इंजीनियर और बिगाड़ भी रहा है सिविल इंजीनियर। हालांकि 90% ईमानदार सिविल इंजीनियर इस देश में हैं और सिर्फ 10% बेईमान सिविल इंजीनियर के वजह से। आप देखिए, एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये ध्यान से देखिएगा। ये 1700 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट बिहार में, ये 1700 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट, और ये कोलैप्स हो गया। 1700 करोड़ रुपया मतलब क्या होता है, कितना जीरो लगता है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को। आज दिन, आज कितना तारीख है? फर्स्ट। अच्छा, आज क्या मनाया जाता है? क्या? श्रम दिवस, यानी मजदूर दिवस। और हम लोग क्या हैं? सिविल इंजीनियर। अरे हम लोग भी मजदूर हैं, बस हमारे माथे पे लगा हुआ है कि हम सिविल इंजीनियर वाला मजदूर हैं। सही है कि नहीं है? हम लोग टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स वाले मजदूर हैं। कुछ लोग नॉन टेक्निकल मजदूर होते हैं, कुछ लोग नॉन प्रोफेशनल कोर्स वाले मजदूर होते हैं। सही है कि नहीं है? ये ब्रिज कोलैप्स क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हो सकता है इसमें, बताइए। मटेरियल वो जो लगी है, बहुत भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के वजह से मटेरियल की खराबी। क्या? मटेरियल की खराबी। बताइए, आप लोग बताइए। प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं किया गया और ना उसका स्पान देखा गया कि जितना इसका। आप बताइए। सर प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ इसे। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सुपरविजन का। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसी चीज का नहीं होता है, सुपरविजन। और प्रॉपर सुपरविजन नहीं हुआ इसके लिए ये कोलैप्स हुआ है। सुपरविजन के बाद ही कोई भी चीज आता है। करप्शन कब होगा? जब सुपरविजन प्रॉपर नहीं होगा तभी ना करप्शन करेंगे। जब आप प्रॉपर सुपरविजन करेंगे तो करप्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सुपरविजन होता है ना। हालांकि भारत का जो कोर्स है वो इतना कैपेबल नहीं है कि जो सिविल इंजीनियरों को बना रहा है, पढ़ा रहा है, वो प्रॉपर प्रैक्टिकली नॉलेज दे सके। और जिसके वजह से देखिए, हमें किताब पढ़ने की जरूरत उतनी नहीं है जितना प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करने की जरूरत है। लेकिन 4 साल हमारे साथ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ो। सही है कि नहीं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और भी बहुत सारा, जियोटेक, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस सर्वे, सर्वे बिल्डिंग मटेरियल। सही है कि नहीं? यही सब पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में समझते नहीं है। बालू में सिल्ट कंटेंट कितना होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए? कितना? कितना? 5%। कहाँ पढ़े हैं? कॉलेज में सर। क्या? देखिए, ये जो होता है लेस देन कहा जाता है, लेस देन, लेस देन 5% नहीं, लेस देन 5%। बहुत सारे किताबों में 6% लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे किताबों में 8% लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे किताबों में। लेकिन 8% से ज्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? सिल्ट कंटेंट क्या होता है 90% सिविल इंजीनियरों को नहीं पता है। सिल्ट कंटेंट का प्रैक्टिकल कैसे होता है नहीं पता है। वो कौन कराएगा आप लोगों को? आप लोग सिविल गुरुजी से क्यों जुड़े हैं, आप लोग बताइए। कॉलेज में पढ़े कि नहीं पढ़े आप? पढ़े सर। फिर सिविल गुरुजी से क्यों जुड़े? सर सबसे पहले तो मैं कॉलेज से मतलब 3 ईयर कंप्लीट किया डिप्लोमा, तो हमें कुछ नहीं आ रहा था। मैंने फील्ड वर्क में आके कितने लोग से रिक्वेस्ट किया कि हमें जॉब चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं करने वाला है। सिविल गुरुजी के यहाँ आए, 3 महीने की ट्रेनिंग की है, 5 कंपनियाँ हमें बुला रही हैं। 3 महीना का ट्रेनिंग, 5 कंपनियाँ बुला रही है, ये बात सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आप खुद ही इसके बारे में मतलब आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, मतलब आप पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इनके लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। और ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिविल गुरुजी जो है ना, पूरे देश के इंजीनियरों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। ऐसे अनेकों इंस्टीट्यूट की जरूरत है इस देश में,
सही है कि नहीं है? और इस देश में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, होना चाहिए कि नहीं? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए सर। हम कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं, बैठ जाइए, अपने इंजीनियरिंग पे 6 लाख रुपया के आसपास फीस होता है, 4 लाख रुपया के आसपास 4 साल का हमारा खर्च होता है, 10 लाख रुपया एवरेज। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में उससे ज़्यादा और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में उससे कम में भी हो जाता है, लेकिन मैंने एवरेज खर्च बताया है, होता है कि नहीं? 10 लाख रुपया खर्चा करके हम 4 साल पढ़ाई करते हैं और 10% भी प्रैक्टिकली नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं, सही है कि नहीं है? और सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? क्या चीज की? इस देश के नेताओं को अगर समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के सिविल इंजीनियर कैपेबल हैं और प्रैक्टिकली नॉलेज है उन्हें, तो इस देश से 60% भ्रष्टाचार जो है ना वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से खत्म हो जाएगा। Am I right? Yes, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर, 100% राइट। और इसीलिए आज मजदूर दिवस के अवसर पे मैं कुछ सिविल इंजीनियरों के बीच में आया हूँ, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, ये चीजें हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस देश के सभी सिविल इंजीनियर इस चीज को समझें। अच्छा ये बताइए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्टेक करता है तो क्या होता है? क्या कंट्रोल सिस्टम को? सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मिस्टेक करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर में एरर आएगा, कुछ पैसे का नुकसान होगा या बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो सकता है, सही है कि नहीं है? सही है। एक मैकेनिकल इंजीनियर मिस्टेक करता है तो कुछ मौतें हो सकती है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिस्टेक करता है तो कुछ मौतें हो सकती है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर मिस्टेक करता है तो क्या होता है, कभी आपने सोचा है क्या होता है? 4 की जगह पे 100 मौतें होती हैं और वे मतलब बजट अलग से जाता है। सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में मिस्टेक के वजह से दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है, दुनिया का 1% गाड़ी। कितना परसेंट गाड़ी है भारत में? कितना परसेंट? और 11% सड़क हादसा भारत का होता है, मतलब 11 गुना सड़क हादसा। क्यों? सड़क को सही करने की जिम्मेवारी किसकी है? सिविल इंजीनियर की। कहीं नहीं तो कहीं प्रॉपर सुपरविजन नहीं हुआ, प्रॉपर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ, और जिसके वजह से जो है वो सड़क हादसा 11 गुना हुआ। 1947 से लेके 2022 तक भारत ने जितना युद्ध लड़ा है, जितना बम ब्लास्ट हुआ है भारत में, जितना नक्सलाइट हमला हुआ है, उसमें टोटल जितना मौत नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा मौतें जो है हर साल सड़क हादसों में हो जाता है। कभी हमने सोचा है कि इसके लिए कौन है दोषी? सिविल इंजीनियर को कहीं नहीं तो कहीं जो है ना सुधरने की जरूरत है। और हालांकि मैं फिर से कह देना चाहता हूं, 90% सिविल इंजीनियर ईमानदार हैं और 10% बेईमान सिविल इंजीनियर के वजह से जो है ना भारत का जीडीपी भी डाउन होता है, ना जाने कितने लोगों के घरों का चिराग उजड़ जाता है, ना जाने कितने सिविल इंजीनियरों को नौकरी नहीं मिल पाता है, सही है कि नहीं है? आप लोग अपने कॉलेज में ये आवाज़ क्यों नहीं उठाए कि हमें प्रैक्टिकली नॉलेज की जरूरत है, हमें प्रैक्टिकली नॉलेज दो, क्यों नहीं उठाए? इस देश में जितने भी सिविल इंजीनियर हैं जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली नॉलेज पे फोकस करें, वरना ये बिल्डिंग जो है, ये जो ब्रिज जो है, मेगा स्ट्रक्चर जो है 1700 करोड़ का, ये एक सिविल इंजीनियर ने ही बनाया होगा और इसमें लेबर के मिस्टेक को काउंट नहीं कर सकते हैं। लेबर मिस्टेक को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अंडर में काम करता है और हम जो कहते हैं वो काम करता है। और देखिए, ये आंधी नहीं झेल पाया, आंधी उसको क्या बोलते हैं सिविल टर्म में? विंड प्रेशर। अच्छा, एक स्ट्रक्चर पे कितने प्रकार का लोड आता है, कितने प्रकार का प्रेशर आता है, किसको किसको पता है? क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। डेड लोड, लाइव लोड और विंड। क्या? अर्थक्वेक लोड, सेस्मिक, विंड लोड, लाइव लोड, यूरियल लोड। देखिए, एक मेगा स्ट्रक्चर पे 3 लोड जो है वो सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है, उसके अलावा जो है कौन से अर्थक्विक जोन में है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है? अर्थक्विक जोन में कौन से है, उसके अलावा सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल टेस्टिंग, सही है कि नहीं है? होता है कि नहीं? आप लोगों को पढ़ाया गया है कि नहीं सॉइल टेस्टिंग के बारे में? होता है सर, होता है सर।
देखिए हम लोग कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे ना तो शायद इस प्रकार का जो है ना कोलैप्स जो है ना देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा। पहला सॉइल टेस्टिंग, क्या चीज? सॉइल टेस्टिंग। कौन से अर्थक्विक जोन में है? सिस्मिक जोन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा जोन है? ठीक है, उसके अलावा ये दो चीज के अलावा क्वालिटी ऑफ मटेरियल और सुपरविजन, और इस पे पड़ने वाला लोड जैसे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। डेड लोड क्या होता है किसी को पता है? क्या? सेल्फ वेट। सेल्फ वेट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डेड लोड। सही है। लाइव लोड क्या होता है? वाहन आ जा रहे हैं, जो भी वाहन आ जा रहे हैं उनका लोड नहीं, मूवेबल। मूवेबल आप घर में वाहन चढ़ाइएगा क्या? नहीं। हाँ, तो ब्रिज का लाइव लोड ज्यादा होता है, घर का लाइव लोड कम होता है। सही है कि नहीं है? यानी मूवेबल लोड को लाइव लोड कहते हैं। और तीसरा कौन सा लोड आता है? विंड लोड। विंड लोड या विंड प्रेशर। सही है कि नहीं है? ब्रिज पे ज्यादा विंड प्रेशर पड़ता है या बिल्डिंग पे ज्यादा विंड प्रेशर पड़ता है? बिल्डिंग पे। हाँ, अब जरा बताइए कि यहाँ पे इंजीनियर ये एक्सक्यूज दे रहा है कि आंधी आया था इसके वजह से गिर गया। अब जरा सोचिए, आंधी आने से अगर भारत में 1700 करोड़ रुपया का पुल गिरना शुरू हो जाए तो बुर्ज खलीफा जैसा इमारत बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता है, बुर्ज खलीफा हमारे भारत के ही इंजीनियरों ने बनाया है। आप लोगों को यह बात पता है? भारत के ही इंजीनियरों ने बुर्ज खलीफा बनाया है, तो फिर भारत में क्यों नहीं बन पा रहा है? आप लोगों को पता है साउथ में ऐसे अनेकों मंदिर है जिसका हाइट 160 फीट से ज्यादा है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाला इमारत है, जो दुनिया का सबसे हाइट वाला इमारत है, उसके बारे में इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया जाता है। पता है आप लोगों को? मीनाक्षी टेम्पल कभी आप लोग गए हैं? नहीं सर। आप लोग एक बार जाके देखो, इतना समृद्ध भारत हमारा क्यों आज बर्बाद हो रहा है? कैसे? भ्रष्टाचार, करप्शन है सर। हम सिविल इंजीनियर अगर हम अपना दायित्व ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे ना, तो देश में हो रहा मौतों को हम लोग 40% घटा सकते हैं, और 40% डॉक्टर घटा सकते हैं, 80% तो सिविल इंजीनियर और डॉक्टर मिलकर देश में हो रहा असमय मौत को नीचे कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि हमारे एक गलती के वजह से कितने लोगों के घरों का चिराग उजड़ जाता है। सही है कि नहीं है? सही है। हम कहीं किसी कंपनी में जाते हैं तो अधिकारी कहलाते हैं, साहब कहलाते हैं। कोई भी मजदूर आके क्या कहता है? साहब। क्या कहता है? साहब। और हम अपने कलम के ताकत को नहीं पहचान पाते हैं। ये देखिए, ये रोड है, सड़क हादसा पे मैंने चर्चा किया है। सही है कि नहीं है? ये रोड जो है समय से पहले क्यों टूट जाता है? क्यों टूट जाता है बताइए? अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज ना करने का। और सॉइल टेस्ट कुछ भ्रष्टाचार इंजीनियर के होने के कारण। ये देखिए, ये सड़क जो है समय से पहले टूट जाता है, उसके पीछे एक क्लौता रीजन है सिविल इंजीनियर। प्रॉपर तरीके से सड़क बनाना, सॉइल टेस्टिंग करना, मटेरियल टेस्टिंग करना, सुपरविजन करना, सारा किसके अंडर में होता है? किसके अंडर में होता है? किसके अंडर में होता है? सुधारने की किसको जरूरत है? सिविल इंजीनियर को। किसके अंडर में होता है? हमारे अंडर में होता है, और हमें सुधारने की जरूरत है। और जरा सोचिए कि कभी कभी प्लेन सड़क होता है, एकदम प्लेन, और आप देखे होंगे कि एक खड्डा आ जाता है, आगे से 4-व्हीलर गुजर रहा है और उसके नीचे से खड्डा आया, पीछे से मोटरसाइकिल वाला जो है एक्सीडेंट हो जाता है, बचने का कोई संभावना नहीं रहता है। कभी सोचा है हमने? भगवान ने हमारे हक में जितना पैसा दिया होगा सैलरी के रूप में, हम प्रण लें कि हम उतना ही लेंगे, भ्रष्टाचार करके किसी का घर नहीं उजाड़ेंगे हम सिविल इंजीनियरों को। सही है कि नहीं है? ये चीजें हैं। ये देखिए, ये भी एक ब्रिज ही है, और देखिए कोलैप्स किया है, देख सकते हैं।
बनारस में भी ब्रिज कोलैप्स किया, कोलकाता में भी किया, बिहार में भी किया, मुंबई में भी किया, दिल्ली में भी किया और इस देश के हर एक राज्य में कोलैप्स किया है। कांग्रेस के समय में भी किया, बीजेपी के समय में भी किया, हर समय किया, सही है कि नहीं है? नेता सऊदी अरबिया में है कि नहीं है? इंजीनियर है कि नहीं है? है। वही इंजीनियर नेता मिलके वहां पे बुर्ज खलीफा बना देते हैं। भारत में बुर्ज खलीफा क्यों नहीं बनता है? भारत में बुर्ज खलीफा लोग इसलिए सर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना पैसे को कीमत दे रहे हैं, लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को कीमत देते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन बेस्ट लेवल का होना चाहिए। वहाँ पे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी जेबें मजबूत। गर्व करेंगे हम लोग अगर बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग भारत में बना देंगे और उसमें हम इंजीनियर रहेंगे तो गर्व करेंगे कि हमने बनाया है, देखो हमने खड़ा किया है। जबकि सऊदी अरबिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का है कि नहीं है? सऊदी अरबिया से ज्यादा टैलेंटेड इंजीनियर भारत में है। क्या बहुत से लेबर्स हैं हमारे पास? हाँ, हम कुछ भी बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। हाँ, हमारे पास बहुत से इंजीनियर्स हैं, एक से एक दिमागदार लोग हैं, तो चाहें तो हम कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं सर। जैसे आप रोड दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि सिविल इंजीनियर की रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ, तो जैसे सर VDR होती है, ODR होती है और पेडेस्ट्रियन होते हैं। हाँ, इन सबको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है, वहाँ कोई सिविल इंजीनियर नहीं होता है। हाँ, वो गवर्नमेंट JEE आता है, पास करके पैसा चला जाता है। गवर्नमेंट का JEE क्या होता है सर? वो तो गवर्नमेंट बॉडी है। गवर्नमेंट का JEE होता क्या है? वो इंजीनियर ही होता है। लेकिन सर वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, वो खड़े होकर ऑफिसर है तो वो सिविल इंजीनियर ही है ना। लेकिन सर वो बनवाता नहीं है खड़ा होकर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल हम सिविल इंजीनियरों को समझने की जरूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी में हम काम कर रहे हो या प्राइवेट बॉडी में हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए ये पुलिस वाले महोदय जो है ना हाथों में डंडा लिए हैं, समझे ना? ये डंडा जो है ना वो सिर्फ दिखाने के लिए है, ये कभी ठेकेदार पे नहीं गिरा सकते हैं, हिम्मत नहीं है कि इनको गिरा दें। लेकिन सड़क पे अगर आप बिना हेलमेट का चलिएगा ना तो आपको रेल के गिराएंगे, सही कि नहीं? जब तक चालान नहीं दीजिएगा तब तक आपका पीछा करेंगे, सही कि नहीं? ये चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। ये देखिए, ये देख रहे हैं 90% हॉस्पिटल और सरकारी दफ्तर, 90% आपदा के समय में काम करना बंद कर देता है। क्या करता है? चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो या तूफान हो, 90%। जबकि कहीं नहीं तो कहीं हॉस्पिटल है, हाई फ्लड लेवल जो होता है वो हाई फ्लड लेवल जो है पिछला 50 साल का फ्लड लेवल का डेटा हो तो उससे, या पिछला 100 साल का फ्लड लेवल का डेटा हो तो उससे मार्किंग किया जाता है। और जो बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क वो हाई फ्लड लेवल से बेंचमार्क लेवल जो होता है वो कंसीडर किया जाता है और उससे ऊपर जो है हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाना रहता है, सही कि नहीं? बिहार में आपने अक्सर देखा होगा पुल जितना है जिससे आप इस पार से उस पार जाएंगे वो बाढ़ के समय में डूब जाता है, बाढ़ के समय में डूब जाता है। आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे राज्यों में देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है तो हॉस्पिटल डूब जाता है, क्यों भाई? लेकिन प्राइवेट अस्पताल बाढ़ में नहीं डूबता है, नहीं डूबता है। प्राइवेट अस्पताल को किसने बनवाया? सिविल इंजीनियर। प्राइवेट सरकारी पे अभी मत आइए। किसने बनवाया? सिविल इंजीनियर। सरकारी अस्पताल को किसने बनाया? सिविल इंजीनियर। तो फिर सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार क्यों हुआ? तो आप लोग ईमानदार बनिएगा कि बेईमान बनिएगा? तो आप लोग एक बार अपने ईमानदारी के लिए अपने ऊपर ताली बजाइए। आप लोगों ने सिविल गुरुजी क्यों ज्वाइन किया? किसी भी इंडस्ट्री में जाते थे तो ड्राइंग पढ़ना नहीं आता था। स्लैब में जो बार लगती हैं उसमें कितने बार लगते हैं वो काउंट नहीं कर पाते थे। फुटिंग्स में कितने बार लगते हैं वो काउंट नहीं कर पाते थे। जो कॉलम होती हैं उसमें बार काउंट नहीं कर पाते थे। तो किस बेस पे हमें जॉब मिलेगा सर? तो इसलिए आपने सिविल गुरुजी ज्वाइन किया? सर हमें कुछ आता नहीं था, यहाँ पे आके सब कुछ सीखा सर। यहाँ पे आके आपने सिविल गुरुजी क्यों ज्वाइन किया? जिससे सभी चीज़ें एक प्रॉपर वे में सीखने को मिले, इसीलिए। क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे? करप्शन करना है कि नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। 0% करप्शन।
0% करप्शन। कितना भी मोटा मोटा किताब पढ़ लें, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा तो आप ऐसा ही पुल बनाएंगे। इधर देख सकते हैं आप, देखिए, और फिर पुल गिर जाएगा, फिर आप ऐसा ही पुल बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, फिर आप ऐसा ही रोड बनाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकली नॉलेज होना जरूरी है। साथ में जितना भी छोटा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर, रोड जो भी बन रहा है, उसका प्रॉपर 3 लेयर में सुपरविजन होना चाहिए। 3 लेयर में, एक जो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, सही है, सही है, एक जो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है वो सुपरविजन करे, दूसरा गवर्नमेंट बॉडी, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है वो सुपरविजन करे, और तीसरा एक स्वतंत्र एजेंसी हो, जैसे उसका कोई फिक्स ना हो कि केरल का है तो केरल में सुपरविजन करेगा, तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु में, बिहार का है तो बिहार का, वो तमिलनाडु का है तो बिहार में भेजिए सुपरविजन के लिए, बिहार का है तो आंध्रा में भेजिए सुपरविजन के लिए, और उसको रोटेट करते रहिए, रोटेट, उसी के हिसाब से उसको सैलरी दीजिए, और फाइनल सुपरविजन में फाइनल हो जाए तभी आप प्रोजेक्ट को पास कीजिए। और इस प्रकार का घटना दोबारा ना हो उसके लिए एक और छोटा सा काम करने की जरूरत है, जहां भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखे नीचे से ऊपर तक सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको मतलब सबको, सही है कि नहीं है। अब जरा सोचिए, इस ट्रैफिक पुलिस को ये गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं दिख जाता है। सीट बेल्ट कितना चौड़ा होता है, कितना कितना, 2 इंच चौड़ा होता है, और यहां से ऐसे आता है, उसके आगे कांच लगा रहता है, शीशा, गाड़ी का शीशा लगा रहता है, उस शीशा को छेद के लेजर लाइट से भी फास्ट जो है इन लोगों का आंख होता है, ट्रैफिक पुलिस का होता है कि नहीं होता है, और छेद करके ही BMW के अंदर देख लेंगे कि सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं, लेकिन BMW का टायर जो है गढ़ा में फंसा हुआ है वो उसको नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो सिविल इंजीनियर के साथ साथ इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, और इस सिस्टम को कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई सुधारेगा तो वो भी सिविल इंजीनियर है, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है करप्शन करने के लिए। जैसे देखिए, बहुत सारे शहरों में जब रोड बनता है तो GSP नहीं किया जाता है, रोड को पहले उखाड़ा जाता है और उसी लेवल से रोड बनाया जाता है। और बिहार में अगर रोड बनता है तो 4 फीट उसके ऊपर जो है मट्टी भर दिया जाता है, और रोड इतना ऊपर कर दिया जाता है कि सारा घर नीचे चला जाता है, सारा का सारा घर। अब घर में पानी घुसना शुरू हो जाता है तो जितना 10 साल 15 साल 20 साल पुराना घर है सब लोग अपना घर तोड़वाते हैं, फिर अपना बनवाएंगे तो अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट, लाफार्ज और भी ना जाने कौन कौन सा सीमेंट है वो बिकेगा, सही है कि नहीं, बनवाएंगे तब ना बिकेगा। तो इस देश के 60% सिंगल हाउस होल्डर, नॉट फ्लैट, कौन, सिंगल हाउस होल्डर, इस देश के 60% सिंगल हाउस होल्डर जो है ना वो अपना घर समय से पहले तोड़ के ऊंचा करवाते हैं, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर जो है ना वो बेंचमार्क का लेवल ही नहीं समझ पाते हैं, सही है कि नहीं। अभी कल एगो BJP के बहुत बड़े नेता हैं बिहार के, वो पहला ऐसा नेता हैं जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया है और GSP जो होने वाला था उसको हटा दिया है, सड़क का लेवल ऊंचा नहीं होना चाहिए, पहली बार। असंजोग से वो नेताजी हमारे ही जिला के हैं। अब मैंने इतना वीडियो बना दिया है, रोड ऊपर नाला नीचे, नाला ऊपर रोड नीचे, बिहार में इतना ज़्यादा बना दिया है, नहीं तो ससुरा सब इंजीनियरवा सब बना देता है रोड नलवा इतना ना नीचे, इतना नीचे कि दिखता ही नहीं है, पताल से भी नहीं दिखता है नाला, और नहीं तो बना देगा सब इतना ऊपर। अब जैसे दानापुर में एक जगह रोड बना था, उसका फोटो इसमें होना चाहिए था, उसके बीच में डिवाइडर बना, लोग क्या समझे, डिवाइडर बन रहा है, मतलब कि रोड के बीच में लगभग 4 फीट हाइट, मैं एक फोटो खिंचवाया हूँ यहाँ तक आया है, 4 फीट हाइट का ऊपर नाला बना दिया सब रोड के बीच में, और 1 साल के बाद तोड़ना पड़ा, संजोग से उस सिविल इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई भी हुआ है आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो ऊपर बनाएंगे तब ना आय से अधिक संपत्ति आएगा,
ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना होगा। सिविल इंजीनियर से पहले हम एक सच्चा राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी हैं, यानी राष्ट्र का विकास हमारे हाथों में है। मैकेनिकल इंजीनियर को ज़रूरत है सिविल इंजीनियर की, सही है कि नहीं है? कंप्यूटर इंजीनियर को जरूरत है सिविल इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जरूरत है मजदूर को जरूरत है प्रधानमंत्री को जरूरत है इस देश को जरूरत है। तो सिविल इंजीनियर अपना इंपॉर्टेंस समझें। जब कोई मशीन नहीं था कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तभी भी पुल बनता था और घर बनता था, बड़े बड़े मंदिर बनते थे जब कोई मशीन नहीं था, सही है कि नहीं? दुनिया का सबसे पुराना ब्रांच सिविल, सही है कि नहीं है? और दुनिया का सबसे करप्ट ब्रांच सुपरविजन, उसके बाद से क्वांटिटी क्वालिटी दोनों। अगर मान लीजिए कि हमें 6 m³ कास्टिंग करना है, तो 5 m³ से काम नहीं चलाएंगे, क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। लेकिन 6 m³ कास्टिंग करना है और m30 ग्रेड का कास्टिंग करना है, तो m20 ग्रेड से काम नहीं चलाएंगे, यानी क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे। क्वांटिटी क्वालिटी सुपरविजन, सही है कि नहीं है? ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तीन पैरामीटर पर अगर हम लोग सही ये हुए, तो हम लोग जो जो एस्टीमेट बनाते हैं ना, उसमें ऑलरेडी 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट पकड़ के एस्टीमेट बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रहता है कि नहीं उसमें? रहता है सर, रहता है। अब इससे ज्यादा क्या कमाना है, सही है कि नहीं? यस सर। और देश के यशस्वी नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, जितने भी नेता हैं, कि अगर देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि सिविल इंजीनियरों को प्रॉपर समय पे जो है वो ट्रेनिंग मिलता रहे। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है इस देश में बहुत ज़रूरी है, इस देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है सर। और सर अब आप आइए, आप बताइए कि किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को? आज जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिमांड कर रही है इनसे, कि जो एक कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियर अपने जॉब के पहले दिन से लेके अपने जॉब के लास्ट दिन तक, यदि 60-65 साल का जब जाकर रिटायरमेंट हो जाएगा, उस समय तक जिस जॉब पोस्ट में हो वो गुजरता है, जैसे कि स्टार्ट करता है जूनियर इंजीनियर से और पहुँचता है मैनेजर लेवल तक, हर एक पोस्ट का जो ऑपरेशन है वो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इनको 90 दिनों में। 90 दिनों जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सर के लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। और ऐसा नहीं है कि मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, सिर्फ एक सिविल गुरुजी जो है ना, देश के सभी इंजीनियरों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। ऐसे अनेकों इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, अनेकों। और देश के जितने भी सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन्हें भी जरूरत है कि अपना जो है सिलेबस जो है अपडेट करें, और 60% टाइम जो है वो प्रैक्टिकल पे खर्च हो बच्चों का सिविल इंजीनियर। आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा मैं आप सभी से, कि बस देश से प्यार कीजिए और ईमानदार बने रहिए, सही है कि नहीं है? बस जय हिंद, जय हिंद।